असलकुम पिछली दफ़ा हमने एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था और उस पर डिस्कशन शुरू की थी वो था पॉइंटर्स सी और सी प्लस प्लस की जब भी बात होती है तो कोई भी नॉलेजेबल बंदा कहते हैं आह पॉइंटर्स 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 एंड मोर पॉइंटर्स वेल टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लेकिन पॉइंटर्स के साथ हमें जो प्रोग्रामिंग के ऊपर पावर मिलती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और हम बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें कर सकते हैं उसके साथ हाँ आगे चल के जब नई लैंग्वेजेस आई हैं जावा वगैरह तो उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लिस पॉइंटर्स को एक्सक्लूड किया है लेकिन उसमें भी पॉइंटर्स के करीबी रिश्तेदार मौजूद हैं एंड वी विल सी हाउ दैट कम्स इन टू बी यू विल लर्न दर्ज इन सबसिक्वेंट कोर्सेज फ़ॉर द मोमेंट हम ज़रा पॉइंटर्स की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जी पॉइंटर्स और एरेज़ की क्या रिलेशनशिप होती है पॉइंटर एक्सप्रेशन क्या होते हैं पॉइंटर्स के साथ हम अरिथमेटिक कर सकते हैं और फिर मल्टी डायमेंशनल एरेज के ऊपर भी बात करेंगे और तौर पर पॉइंटर्स स्ट्रिंग्स और एरेज के ऊपर बात होगी लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरेज इफ यू थिंक अबाउट इट देखिए हम जब कहते हैं इंट एक्स तो हम क्या बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि जी एक मेमोरी लोकेशन है उसके ऊपर हमने एक सिंबॉलिक नेम अटैच कर दिए एक्स सो वी कैन यूज़ एक्स इक्वल टू टेन और वो मेमोरी लोकेशन में जा 10 की वैल्यू प्लेस कर देता है लेकिन जब हम एरेज की बात करते हैं सपोज़ हम एक डिक्लेयर करते हैं इंटीजर एरे हम कहते हैं इंट y स्क्वायर ब्रैकेट्स 10। इसका मतलब है हमने मेमोरी में 10 इंटीजर्स की एक एरे डिक्लेयर कर दी तो दस इंटीजर्स के लिए मेमरी लोकेशन रिजर्व हो गई और कलेक्टिवली उसको एक हमने नाम दे दिया वाई सो so, पहले तो हमने एक लोकेशन को नाम दिया था एक्स की जब हम बात कर रहे थे सिंपल इंटीजर की जब हम एरे की बात कर रहे हैं तो हमने एक कलेक्टिव लोकेशन ऑफ द सेम डेटा टाइप इन दिस एग्जांपल इंटीजर उसको एक नाम दे दिया वाई तो वाई बजाते ख़ुद क्या चीज़ है इज़ इट जस्ट द नेम और इज इट समथिंग मोर देन अ नेम आई प्रॉब्ली ऑलरेडी इट इन मैं लेक्चर्स वाई रेप्रजेंट द एड्रेस ऑफ द बिगनिंग ऑफ दिस मेमरी स्पेस तो वो जो दस इंटीजर्स की जगह जो रिजर्व हुई है उसकी जो शुरू वाली जगह है इट मीन्स y ऑफ जीरो हम लिखते हैं याद होगा आपको y स्क्वायर ब्रैकेट जीरो दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट यानी पहला इंटीजर जो है तो पहले इंटीजर का जो मेमोरी एड्रेस है वो y में मौजूद होता है सो दैट मीन्स इन अ वे द नेम ऑफ द एरे इज़ लाइक अ पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट बट हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्राम एन ऑर्डनरी पॉइंटर डिफरेंस ये है जी जो एरे का नाम है वो एड्रेस तो जरूर कॉन्टेन करता है लेकिन इट्स अ कॉन्स्टेंट पॉइंटर कॉन्स्टेंट पॉइंटर का मतलब ये है कि वो कहीं और पॉइंट नहीं कर सकता वो हमेशा इसी एरे के बिगनिंग एड्रेस पे पॉइंट करता रहेगा अदरवाइज इट इज़ वेरी सिमिलर फॉर एग्जांपल हम एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं यही समझ लें वाई ऑफ टेन है इंट की है और एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेते हैं लेट्स कॉल इट वाई पी टी आर सो इंट स्टार वाई पी टी आर और आपको याद होगा इसको पढ़ने का तरीका यह है कि वाई पी टी आर इज अ पॉइंटर टू इंटिजा सो राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी सो वॉट वी सेंग इज़ हमारे पास एक एरिया आ गई एक पॉइंटर आ गया अब ये पॉइंटर जो है रिमेंबर इट कैन कॉन्टेन अ मेमरी एड्रेस एंड द मेमरी एड्रेस शुड पॉइंट टू समथिंग लाइक एन इंटीजर इन दिस केस वी कैन यूज़ अ वेरी सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट

देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि वाई जो है वो इट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट पॉइंटर एक दफ़ा आपने एरे डिक्लेयर कर दी वो मेमरी में उसी जगह को पॉइंट करता रहेगा नाम जो है उसका हमेशा ठीक है लेकिन जो वाई पी टी आर है इट्स अ पॉइंटर वेरिएबल विच मीन्स अभी वो इस एरे के बिगनिंग पे पॉइंट कर रहा है उस दूसरी वक्त वो उस किसी और एड्रेस को पॉइंट कर रहा है एट्सेट्रा सो इट्स अ वेरिएबल मैनिपुलेशन जो है वो दोनों की बराबर है अब अगर आप कहें वाई ऑफ थ्री

वेन वी इंक्रीमेंट अ पॉइंटर और वी एड समू अंटर देखें लेट्स गो ऑन एंड थिंक अबाउट द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस माइनस माइनस डेक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारे पास इसी एग्जाम्पल को लेकर आगे चलते हैं वाई जो है हमने कहा है वो एरे का नाम है एंड इट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट पॉइंटर अगर वो कॉन्सटेंट पॉइंटर है तो वाई प्लस प्लस नहीं लिखा जा सकता यू कैनॉट इंक्रीमेंट द नेम ऑफ द एरे You can always say y of 0, y of 1, y of 2, that's no problem. But you cannot say y plus plus and think that y to y of 0 ko point kar rata, tha. Lehaza y plus plus you have a y of 1 ko point karega. Doesn't work, y is a constant pointer, so you cannot increment it. On the other hand, yptr is a pointer variable. So if we first said y ptr is equal to y, so y pointer can andar hamne y array ka starting address raktiya. अब उसके बाद जब हम कहते हैं कि जी वाई पी टी आर प्लस प्लस तो क्या होगा भाई लाजमी बात है कि वाई पी टी आर की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगी द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कितने से इंक्रीमेंट होगी नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल जैसे एक्स था हमारे पहले एग्जाम्पल में अगर हम कहते हैं एक्स प्लस प्लस और एक्स की वैल्यू टेन थी तो उसकी वैल्यू तो इलेवन हो जाती थी अब हम बात कर रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल की एंड पॉइंटर टू एन इंटीजर की तो अगर वाई पी टी आर को प्लस प्लस करें तो क्या उसकी वैल्यू एक से ज्यादा होगी यानी मेमोरी एड्रेस विल बी इंक्रीमेंटेड बाय वन और मेमोरी एड्रेस विल बी इंक्रीमेंटेड बाय सम अदर अमाउंट व्हाट डू यू थिंक इंटरेस्टिंगली अनाफ व्हाट हैपेंस इज दैट द डेटा टाइप दैट द पॉइंटर पॉइंट्स टू डिटर्मिंस के पॉइंटर का इंक्रीमेंट जो है वो कितना आगे जाएगा इन दिस केस वाई इज अ पॉइंटर टू एन इंटेजर लिहाजा जब वाई पी टी आर को हम इंक्रीमेंट करते हैं इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंटीजर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी अगर इंटीजर हमारी मशीनों पे चार बाइट्स जगह लेता है तो इट विल गो टू द फोर्थ फोर बाइट्स अलॉन्ग अवे फ्रॉम वेयर इट वॉज यानी इंक्रीमेंट जो है उसका फोर बाइट्स एट अ टाइम होगा इसको देखने के लिए आप छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं वेरी सिंपल यही कर लें आप कि जी एक एरे डिक्लेयर कर लें एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लें लेट्स से दे आर इंटीजर्स और वाई पी टी आर में असाइन कर दें वाई का एड्रेस और फिर सी आउट के साथ वाई पी टी आर को प्रिंट करें विच इज़ द पॉइंटर तो सी आउट जो है वो पॉइंटर की वैल्यू दिखाएगा विच इट विल शो द मेमरी एड्रेस विच इज़ कॉन्टेंड इन वाई पी टी आर एट दैट टाइम उसके बाद आप करें वाई पी टी आर प्लस प्लस और फिर सी आउट से कहें कि वाई पी टी आर की वैल्यू प्रिंट करें यू विल नोटिस इज कि जी एक नंबर अजीब सा बदल गया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में आपने थोड़ी सी हैक्सर डेमल अरिथमेटिक पढ़ी होगी बाई डिफॉल्ट जो पॉइंटर जो वैल्यूज रखते हैं विच इज़ एड्रेस मेमरी एड्रेस आर प्रिंटेड इन हैक्सा डेसमल बाई योर सी आउटपुट सिस्टम एज ए रिजल्ट जो वाई पी टी आर की वैल्यू आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी वो हेक्स में लिखी होगी सो so, आप देखेंगे कि जी हेक्स के नंबर्स बदल गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहला नंबर फाइव ज़ीरो था कोई भी उसकी लेट से लास्ट टू डिजिट्स तो उसके अंदर चार का इंक्रीमेंट करके वो आपको आंसर दिखा रहा होगा वाई बिकॉज वाई पी टी आर इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटेजर सो वैन यू इंक्रीमेंट अ पॉइंटर इट एक्चुअली जम्पस द नंबर ऑफ मेमरी स्पेस एकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप दैट इट पॉइंट टू इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अब इसी को ले कर अगर चलें अगर वाई पी टी आर को इंक्रीमेंट करने से वो नेक्स्ट इंटेजर को पॉइंट करता है और हमने शुरू किया था कि जी वाई पी टी आर में एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस पड़ा हुआ है तो इंक्रीमेंट करने से क्या हुआ वाई पी टी आर नाव पॉइंट्स टू The second element of the array, which is y of 1. Increment it again, it will point to y of 2. Increment it again, it will point to y of 3, and so on. What happens if we increment it too much? Any array, number of numbers, we increment it 12 increment Will there be a problem? Well, you think about it, we will come to it in a minute. For the moment, देखें हम अगर कर सकते हैं कि जी वाई पी टी आर इज़ इक्वल टू वाई तो वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट सेंग वाई पी टी आर इज इक्वल टू एंड वाई ऑफ ज़ीरो रिमेंबर एम्पस एंड जो है एंड जिसको कहते हैं दैट इज़ द एड्रेस ऑपरेटर सो वी कैन टेक द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट सो वाई पी टी आर इक्वल टू वाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू वाई पी टी आर इक्वल्स एंड वाई स्क्वेयर ब्रैकेट्स जीरो स्क्यर ब्रैकेट so it is the same thing assigning the address क्योंकि y of 0 is a single element इसी तरह y of 1 is an element y of 2 is an element तो इनके integers के addresses लिए जा सकते हैं so you could easily say वाई पी टी आर इज इक्वल टू एंड वाई ऑफ टू विच मीन्स वो वाई ऑफ टू का एड्रेस वाई पी टी आर के अंदर आ जाएगा सो यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ कि जी इससे हमें क्या मतलब uh, मैनिपलेन की पावर मिलती है यू कैन रैंडमली पॉइंट टू एनी एलिमेंट इन द एरे उसका एड्रेस ले लें उसके साथ जो मर्जी करना है वो करें अब लेट्स टॉक अबाउट दैट इंक्रीमेंट थिंग अगेन देखें अगर हमने वाई पी टी आर को इंक्रीमेंट किया जब हम एरे को पॉइंट कर रहे थे तो उसने नेक्स्ट एरे एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर दिया सो वी कैन ऑलवेज प्रिंट बाई से सी आउट लेस देन लेस देन स्टार वाई पी टी आर और वो जिस एरे एलिमेंट को उस वक्त पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी मैंने कहा था कि जी वॉट हैपन्स इफ़ वी इंक्रीमेंट टू मच वेल लेट्स विद अ सिंपल एग्जाम्पल सपोज वी से एक्स इज़ अ सिंपल इंटर वेरिएबल सो इंट एक्स एंड लेट्स से वाई पी टी आर हमारे पास वही है पॉइंटर टू एन इंटीजर और हम कह देते हैं वाई पी टी आर इज इक्वल टू एंड एक्स एक्स की वैल्यू एड्रेस जो है वो वाई पी टी आर में स्टोर कर दिया अब आप ये एक्चुअली लिखें अपने लिए प्रोग्राम्स लिखें एक्सपेरिमेंट करें और देखें क्या होता है आप प्रिंट करें वाई पी टी आर को यू विल सी दैट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेमरी एड्रेस विच इज़ द एड्रेस ऑफ एक्स फिर आप प्रिंट करें स्टार वाई पी टी आर को दैट मीन्स द वैल्यू पॉइंटेड टू बाई दैट एड्रेस सो द वैल्यू प्लेस्ड एट द एड्रेस जो कि वाई पी टी आर में पड़ा हुआ है तो अगर एक्स की वैल्यू पहले टेन थी तो आपको टेन आउटपुट में नज़र आना चाहिए इफ़ यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्टार वाई पी टी आर अब आप करें स्टार वाई टी वाई पी टी आर प्लस प्लस ठीक है ये क्या करेगा एज रिटन कोई पैरथिस नहीं कोई कुछ नहीं हमने कहा स्टार वाई पी टी आर प्लस प्लस इसको अगर पढ़ें तो पढ़ने का तरीका ये है इंक्रीमेंट वॉट एवर वाई पी टी आर पॉइंट टू सो इंटरेस्टिंगली एक्स जो है वो दस से एलेवन हो जाएगा ओके यू हैव इंक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय वन और इसको भी प्रिंट करके देखें सो राइट योर लिटिल प्रोग्राम दैट प्लेज विद ऑल दीज कॉम्बिनेशंस वॉट इफ वी लेट्स से ऐड टी वाई पी टी आर प्लस थ्री जब आप कहते हैं स्टार वाई टी वाई पी टी आर प्लस थ्री तो ये एक एक्सप्रेशन है इसने जो ओरिजिनल वेरिएबल था एक्स उसको कुछ नहीं किया उसकी वैल्यू में तीन जमा कर दिया है सो यू कैन यूज़ इट ऑन द राइट हैंड साइड you can print the value you will notice that if x 10 to 13 print hoga that is all right but when you increment star yptr then you are incrementing the variable itself so if you said something like star yptr plus equals 3 okay? now it says in long hand that whatever yptr points to usko 3 se increment kardo. So then x if it was 10 it would go to 13

और एक पॉइंटर वेरिएबल लेके आपने एरे में पॉइंट करा दिया और फिर उसको इंक्रीमेंट करने लगे और 10 की बजाय 12 दफ़ा इंक्रीमेंट कर दिया तो क्या वो इंक्रीमेंट हो सकता है द आंसर इज़ येस दर इज़ नो प्रॉब्लम विद इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर द प्रॉब्लम लाइज कि जी अब वो पॉइंट किस चीज़ को कर रहा है देखिए जब भी आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स कुछ एरेज कुछ चीज़ें डिक्लेयर करते हैं उन चीज़ों के लिए उन वेरिएबल्स के लिए और एरेज के लिए मेमोरी में, में ख़ास जगह जो है वो रिज़र्व हो जाती है और वो जगह जो है लेबल हो गई पॉइंटर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि मेमोरी में कहीं पे भी पॉइंट कर सकते हैं जब आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं और वो किसी ऐसी जगह पे पॉइंट करता है जो कि आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है विच मीन्स वाई पी टी आर इज़ इक्वल टू एंड एक्स ठीक है एक्स वॉज़ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम उसका एड्रेस इज़ पार्ट ऑफ़ द प्रोग्राम उसकी वैल्यू वाई पी टी आर के अंदर आ गई YPTR. Suppose there is no other integer variable. YPTR will now point four bytes away from the original address of X. What that means is that it is now pointing to a memory area which was not part of your original program. So what does it point to? Again, my uh, suggestion is that you write your program and you see Peleto YPTR the value print kare. वो तो आपको नज़र आ जाएगी जी वो चार मेमरी एड्रेसेज आगे जा चुका है देन ट्राई टू प्रिंट स्टार वाई पी टी आर विच मीन्स वॉट इज़ द वैल्यू एट दिस लोकेशन इट विल प्रॉबली बी गार्बेज ठीक है ना वी डोंट नो हमने तो इनिशलाइज नहीं की हमने तो अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल ही नहीं की हुई सो वी रियली डू नॉट नो कि वहाँ पर क्या है कोई रैंडम वैल्यू आपके लिए प्रिंट हो जाएगी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कहीं पर कोई इलीगल चीज़ हुई नहीं है यानी ना कंपाइलर ने आपको रोका कि जनाब ये करना को इलीगल ये कोई इलीगल काम होगा और ना ही प्रोग्राम चलते हुए उसने आपको रोका कि यह कोई इलीगल काम होगा हाँ इलीगल काम हो ज़रूर सकता है कि अगर आप इस लोकेशन पे कुछ लिखने की कोशिश कर दें ठीक है ना इफ़ यू ट्राई टू राइट इन टू दिस मेमरी लोकेशन विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम देन यू माइट कम अप वेरी स्ट्रेंज रिजल्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो तो इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हैं कि जी अगर आप मेमोरी मॉडिफाई करते हैं तो प्रोग्राम की अपनी स्पेस में मेमोरी मॉडिफाई होती है लेकिन कई दफ़ा आप इसी पॉइंटर के थ्रू पूरे कंप्यूटर को क्रैश भी कर सकते हैं धुआं hmm. निकाल दें अगर निकालने हैं सो इट इज़ अ डेंजरस टूल बट सो यू हैव टू बी केयरफुल कि जी पॉइंटर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए रिमेंबर वैन यू यूजिंग अ पॉइंटर टू होल्ड द मेमरी एड्रेस ऑफ अ सिंपल वेरिएबल दैन यू शुड बी इंक्रीमेंटिंग और डेक्रीमेंटिंग पॉइंटर्स वेन यूर वर्किंग विद पॉइंटर्स एंड एरेज देन इट मेक सेंस कि जी उसको इंक्रीमेंट करें तो अगले अरे एलिमेंट पर चले गए डेक्रीमेंट करें तो पहले एरे एलिमेंट पे आ गए एंड सो ऑन सो यू कैन यूज इट टू मैनिपलेट बट फॉर द मोमेंट जस्ट रिमेंबर कि कोई आपको वार्निंग नहीं मिलेगी कि जितना ये कोई आप गलत काम करने लगे अगर सिंपल एड्रेस को आपने इंक्रीमेंट कर दिया नाउ अगेन प्लेइंग मोर विद पॉइंट पहले तो आप ये देख लें कि जी

अगर आप कहते हैं स्टार वाई पी टी आर प्लस इक्वल्स थ्री तो एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी लेकिन अगर आप कहते हैं वाई पी टी आर प्लस इक्वल टू थ्री तो पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी सो प्ले विद दिस एंड मेक श्योर यू नो वॉट यू आर इंक्रीमेंटिंग यही चल के आगे फिर एरेज में इसको विजिट करेंगे डेक्रीमेंटिंग इज़ नो डिफरेंट यू कैन ऑलवेज

यानी उसकी वैल्यू बढ़ाएं या घटाएं तो इट चेंजेस द एड्रेस इन देयर बाय द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय द डेटा टाइप दैट द पॉइंटर पॉइंट्स टू बट इट मोर सिंपली अगर वो पॉइंटर टू एन इंटीजर है तो उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो वो चार बाइट से बढ़ जाएगा अगर हमारी मशीन पर इंटीजर चार बाइट्स में स्टोर होता है अगर फ्लोट का पॉइंटर है और फ्लोट आठ बाइट्स में स्टोर होता है तो इंक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर टू अ फ्लोट

कि जी इस पे इंटीजर कितना स्टोर हो रहा है कितनी बाइट्स ले रहा है फ्लोट कितनी बाइट्स ले रहा है एंड द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज़ यूज़ दिस पॉइंटर अरिथमेटिक अगर आपके पास मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ 2000 है या विंडोज़ एक्स है तो इसके अंदर एक एक्सेसरीज के अंदर टूल आता है कैलकुलेटर कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर अगर आप देखें तो व्यू के अंदर एक है स्टैंडर्ड और एक है साइंटिफिक व्यू या आपके पास अगर अपना कैलकुलेटर हो उसमें भी देखें कि हेक्सर डेसिमल अरिथमेटिक वो करता है कि नहीं जो आपके विंडोज़ के साथ कैलकुलेटर आता है उसमें हेक्स व्यू में चले जाएं तो यू कैन डू हेक्स डेसिमल अरिथमेटिक सो जो आपको मेमोरी एड्रेसेस आप प्रिंट करा रहे हैं अपने सी प्रोग्राम्स में से आप उसमें की इन कर दें और वहाँ से एड सब करके देखें ये ए बी सी कैसे ऐड होते हैं और उसका आंसर क्या आता है और क्या वो टैली करता है आपके प्रोग्राम के साथ या नहीं सो प्ले विद दिस ऑलवेज एक्सपेरिमेंट ऑलवेज़ फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ डू नॉट बिलीव समथिंग जो के किताब में लिखी हुई है डो नॉट टेक इट एज द गॉस्पल ट्रूथ जो मैंने यहाँ पर कह दिया है फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ बी इंक्विजट बी एक्सपेरिमेंटेटिव हमने ये तो देखा कि जी पॉइंटस को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं डेक्रीमेंट भी कर सकते हैं क्या पॉइंट को हम आपस में एड कर सकते हैं अगेन सिंस आईम गोइंग टू टेल यू द आंसर आई विश आई डेंट है योर सेल्फ लेकिन वॉट हैपन्स इज सपोज यू हैड टू पॉंट इंट यू हैड इंट स्टार पी वन कॉमा स्टार पी टू और नीचे चल के आप अगर कहें कि जी पी वन प्लस पी टू कहीं पर तो ही तो कंपाइलर ही नॉर्मली आपको वार्निंग दे देगा दे या सिंटेक्स एरर दे देगा दे कहेगा कि जी मुझे दो पॉइंटर्स को ऐड करना नहीं आता खुद ही सोचें कि हम कर कह रहे हैं हम कह रहे हैं दो मेमरी एड्रेस को जमा करो हाउड वी नो दैट द आंसर इज गोइंग टू बी वैलड यदि टू प्लस एट इज़ टेन इट मे बी वे आउट ऑफ द रेंज यानी जहाँ पर आपकी मेमरी खत्म हो जाती है वहाँ से बाहर की कोई वैल्यू बन रही हो सो नॉर्मली द कंपायलर विल नॉट अलाउ यू टू एड टू पॉइंटर्स टुगेदर कैन यू सब्ट्रैक्ट पॉइंटर्स फ्राम वन एंड अदर देट इज इंटरेस्टिंग सब्ट्रैक्शन इज रिलेटिवली ईजियर क्योंकि देखें हो क्या रहा है हम कह रहे हैं कि जी अगर दो पॉइंटर्स हैं उनमें एक ही वैल्यू पड़ी हुई है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा ठीक है कुछ समझ आती है बात की अगर दो पॉइंटर्स हैं एक लेट्स एरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और दूसरा एरे के दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है एंड सपोज द एरे इज ऑफ टाइप इंटीजर तो उनको सब्ट्रैक्ट करें तो फिर आपके पास चार बाइट्स का फ़र्क आना चाहिए ठीक है वट बट ट्राई इट आउट ओके टेक एन अरे लेट्स वाई ऑफ टेन कोई वैल्यूज़ असाइन कर दें दो पॉइंटर ले लें वाई वन वाई टू उनको कोई एड्रेसेस असाइन कर दें एरे में से लेट्स से वाई वन इज इक्वल टू एंड वाई ऑफ जीरो विच इज़ द सेम एज वाई वन इज इक्वल टू वाई एंड टेक द सेकेंड वन से वाई टू इज इक्वल टू एंड वाई ऑफ थ्री ओके सो इट नाउ पॉइंट्स टू द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द एरे देन यूजिंग सी आउट प्रिंट वाई टू माइनस वाई वन पहली चीज़ यू विल नॉट गेट अ कंपाइलर एरर नंबर टू यू विल बी सरप्राइज बाय द रिजल्ट वॉट डी यू थिंक द रिज़ल्ट विल बी आई ऑलरेडी मैंशन कि जी जब हम इंक्रीमेंट करते हैं पॉइंटर को तो वो इंक्रीमेंट होता है बाय द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय द डेटा टाइप तो जब हम दो पॉइंटर्स को सप्रैक्ट कर रहे हैं आपस में तो क्या वो नंबर ऑफ़ बाइट्स में जवाब देगा इन दिस केस ज़ीरो और थर्ड एलिमेंट जो है यानी वाई ऑफ थ्री के अंदर फ़र्क तो तीन नंबरों का है तीन इंटेजर्स का है अगर इंटेजर चार बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है तो क्या डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंटर्स हमें ट्वेल्व आएगा वेल डू इट एंड फाइंड आउट एंड प्रूव टू योर सेल्फ ट्वेल्व नहीं आएगा वो डिफरेंस आपको थ्री दिखाएगा विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वॉट इट मीन्स इज वेन यू सब्ट्रैक्ट पॉइंटर्स इट टेल्स यू इन अ वे द डिस्टेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स पॉइंटेड टू सो आपको ये बताएगा उसके उनके दरम्यान कितने एरे एलिमेंट्स हैं सो so, अगर पहला पॉइंटर वाई ऑफ जीरो को पॉइंट कर रहा था दूसरा पॉइंटर वाई ऑफ थ्री को पॉइंट कर रहा था तो आपको जवाब तीन देगा ओके सो रिमेंबर दैट इट इन अ वे इंटरप्रेट्स हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ दैट डेटा टाइप और डेटा टाइप वही जो पॉइंटर की डेटा टाइप है उसके कितने यूनिट्स हैं इन दो पॉइंटर्स के दरमियान सो हेयर पॉइंटर एडिशन इज नॉट अलाउड

कैन वी सी वाई वन बड़ा है या वाई टू बड़ा है द आंसर इज़ येस यू कैन डू देट एंड वही नॉर्मल जैसे हम इफ स्टेटमेंट के अंदर करते होते हैं इफ़ एक्स इज ग्रेटर दैन वाई यहाँ पर हम लिख देंगे इफ़ वाई वन इज़ ग्रेटर दैन वाई टू और ग्रेटर दैन और इक्वल टू और वाई वन इज़ इक्वल टू वाई टू डबल इक्वल सारे कंपेरिजन चलते हैं इनका मतलब क्या है वो तो प्रोग्राम का कॉन्टेक्स आपको बताएगा कि जनाब आप कंपेयर क्या कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई सॉर्टिंग का प्रोग्राम है तो हो सकता है कि आपके पास सॉर्टिंग आप कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें एरे के अंदर आप दो पॉइंटर्स चला रहे हों एक पॉइंटर कहीं ऊपर है एक नीचे है एक लूप चली पॉइंटर्स आगे पीछे हो गए आपको नहीं पता कि कौन सा अब आगे है कौन सा पीछे है सो यू कैन यूज़ दिस कंपेरिजन ऑपरेटर सेफ वाई टू इज़ ग्रेटर दैन वाई वन दैन डू सम अदरवाइज डू समथिंग एल्स सो यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ कंपेरिजन ठीक है Now, the other thing that you can think of is that is actually fairly obvious that if you say can you compare star y1 with star y2, well that is obvious in the sense that star y1 is a simple value in this case. It is the value of the integer that y1 points to. So, when you say star y1 compared to star y2, that is the simple comparison of two integer variables which is absolutely legal. So whenever you use a dereferenced pointer, which is this star laga hai, yani uski value value, so all normal arithmetic and manipulations apply. Whenever you're using the pointers themselves, then you can do certain type of operations, but there are restrictions on the others. Try to make a comprehensive list of what you can do with pointers. I've already told you quite a lot about it. But you should try to experiment and maybe list it down, enumerate it, write it down for yourself. What can you do with a pointer? You can place an address in it, you can increment it, you can increment what it points to if it is of a numeric type and so on. Going on and looking back at pointers in arrays. Again, let us start with our good old y which is an array of let us say 10 integers.

ई एरे का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो वाई पी टी आर में लिख दिया जाए सो वी जैस से वाई पी टी आर इक्वल्स वाई नाव वी वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वाई ऑफ फाइव फर्स्ट ऑब्वियस आंसर सी आउट लेस देन लेस देन वाई स्क्वेर ब्रैकेट फाइव वैल्यू प्रिंट हो गई सेकेंड वन सी आउट लेस देन लेस देन स्टार वाई पी टी आर प्लस फाइव केयरफो वाई पी टी आर प्लस फाइव कहाँ पे आएगा पैरेंथिस कहाँ पे लगेंगे क्या स्टार वाई पी टी आर के साथ पैरेंथिस लगा के आपने प्लस फाइव करना है या बग़ैर परेंथीसीज के आपने प्लस फाइव करना है वॉट थिंक अबाउट इट इफ़ यू सेड स्टार वाई पी टी आर प्लस फाइव और जैसे मैंने बोला है स्टार वाई पी टी आर के गिद आप परेंथिसिस लगा देते हैं तो वॉट यूर सेग इज़ वॉट एवर वाई पी टी आर पॉइंट टू प्लस फाइव Will that be the right answer? Okay. do it and find out. Another way of doing it, I said much earlier in the same lecture, that y and yptr in this case are pointing to the same location. So, if we can write y of five, can we write yptr of five? The answer is yes, you can. This is an alternate look, uh, notation for using a pointer variable with a subscript. You can do that, it simply will mean the same thing the fifth element or the sixth element of the array. So, you have that is a possibility. If you say star within parentheses, you say yptr plus 5, what does that point to and what is the value there? What happens is when you say yptr plus 5, it points to 5 integers away from whatever the location is for yptr but we know that location is y of 0 so when you say yptr plus 5 it is pointing to the 6th element so star which says the value so if you say c out less than less than star parenthesis yptr plus 5 parenthesis closed semicolon what it will mean is print y of 5 so you notice that we can do all similar uh, manipulations with the name of the array or with the pointer variable they are almost interchangeable i will repeat what is not interchangeable suppose we had a second array suppose we had q of 10 will be integer here at any time you feel like in the program and where the logic requires you can have yptr equals y it is now pointing to the beginning of the y array you could say yPtr equals q and is now pointing to the beginning of the q array. So what we can use the pointers for is pointing to different things at different times in the program. I'll repeat again, you cannot use that with y and q themselves. Y and q are like constant pointers, unkill memory mein pehle se at compile time, reserve kardi hai, rather at run time. और वो उनकी एड्रेसिंग जो है वो चेंज नहीं की जा सकती वाई विल ऑलवेज़ पॉइंट टू द सेम मेमरी लोकेशन क्यू विल ऑलवेज पॉइंट टू द सेम मेमरी लोकेशन वाई पी टी आर वेरिएबल है जिधर मर्जी पॉइंट करे सो क्वाइट अ यूजफुल थिंग वी हैड अ रूडिमेंट्री एग्जाम्पल प्रीवियस टाइम दैट वी यूज पॉइंटर्स टू स्व टू नंबर्स एक उनका मेजर यूज़ जो है वो यही है वेन यूज अ कॉल बाई रेफरेंस इन कॉलिंग टू फंक्शंस दूसरा मेजर यूज यहाँ पे आता है जब आप एरे मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं एक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें आप आपके हैंड में भी दिया होगा यू कैन एक्चुअली स्टेप थ्रू एन एंटायर एरे यूजिंग पॉइंटर्स सो यू कैन जस्ट रन अ लिटल लूप एंड इंस्टेड ऑफ एक्स ऑफ जे यू कैड एक्चुअली यूज अ पॉइंटर वेरिएबल स्टार्टिंग विद द बिगनिंग ऑफ द एरे एंड इनक्रीमेंटेड एंड गो ऑन डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट अ लॉट प्लीज राइट अ लॉट ऑफ कोड एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस पॉइंटर्स बिहेव ये एक डायग्राम आप देखें अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जी एक एरे मेमोरी में कैसे जगह ऑक्यूपाई करती है एक हमने पॉइंटर ले लिया है लेट से वी पॉइंटर उसको जब असाइन किया है वी पॉइंटर इक्वल टू वी तो वो किस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ये इंटीजर एरे का एग्जांपल दिखाया हुआ है तो इसमें चार चार बाइट्स के फासले के ऊपर हमने इंटीजर्स की बाउंड्रीज भी दिखाई हुई हैं एंड ऑल आई हैव डिस्कस सो फार के वैन वी इंक्रीमेंट You should try to understand with the help of this diagram. Now, let us come to strings. This is interesting. They Hamare data types, char, int, float, double. What do we do with character strings? We Character strings, as their name implies, are character arrays. Okay, so, they are arrays of characters.

वेन वी डिक्लेयर दिस इट्स इज नेम इज़ एन रे ऑफ ट्वेंटी कैरेक्टर्स फाइन इसको असाइन कैसे किया जाए वही सारे रूल्स जो ऑर्डनरी इंटिजर रेस को अप्लाई करते थे यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं यू कैन सेम ऑफ जीरो कैपिटल ए कैपिटल ए जो है उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में आप लिखेंगे वेन एवर यू इनक्लोज सम इन सिंगल कोटेशन मार्क्स दैट रिप्रजेंट वन कैरेक्टर एंड देन वेन ए सैड वन कैरेक्टर You should not enclose two characters inside single quotation marks. That would be a syntax error. Then you would say name of one equals single quote ke chota m, name of two equals cho single quote ke chota i, or pair name of three equals single quote ke andar chota r. Is that enough? No, it is not enough. C के अंदर एंड C++ प्लस प्लस के अंदर एंड मोस्ट ऑफ दीज रिलेटेड लैंग्वेज कैरेक्टर स्ट्रिंग्स आर टर्मिनेटेड बाई स्पेशल कैरेक्टर वो स्पेशल कैरेक्टर है द नल कैरेक्टर ऑल ज़ीरोज़ उसको लिखने का तरीका हमने कई शॉर्ट हैंड देखे बैक स्लैश एंड वॉज न्यू लाइन द ऑल ज़ीरोज़ वाला नल कैरेक्टर जो है उसका शॉर्ट हैंड है बैक स्लैश ज़ीरो सो जब आपने सारी असाइनमेंट्स कर ली तो नेक्स्ट कैरेक्टर यू मस्ट शो नेम ऑफ फाइव से ज़ीरो वन टू थ्री सो नेम ऑफ फोर इक्वल्स सिंगल कोर्ट्स के अंदर बैक स्लैश जीरो अभी यू मे थिंक जी मैंने जो अभी बात कही थी मैं उसी को निगेट कर रहा हूँ कि सिंगल कोर्ट्स के अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए लेकिन जब भी आप बैक स्लैश डालते हैं तो देट इज़ लाइक एन एस्केप कैरेक्टर विच सेज कि ये कॉम्बिनेशन इज टू बी कंसिडर्ड एज वन कैरेक्टर सो बैक स्लैश एन वॉज द न्यू लाइन कैरेक्टर एक चीज बैक स्लैश टी वॉज द टैब कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर इसी तरीके से बैक्लेश ज़ीरो जो है इज़ द नल कैरेक्टर इट्स अ सिंगल कैरेक्टर विच इज़ ऑल जीरोज़ उसकी वैल्यू ये जो नल कैरेक्टर है ये एरे के एंड पे डालने का फ़ायदा क्या होता है फ़ायदा देखने के लिए आप इसी तरह एक एरे डिक्लेयर करें उसको इनिशलाइज करें कुछ वैल्यूज़ डालें और एंड पे ये बैक्शलेशीरो डाल दें और फिर सी आउट के साथ उसको प्रिंट करें अगर यही हमारा एग्जाम्पल लिया जाए तो वहाँ पर आपको आमिर नजर आएगा ए एम आई आर दैट्स सेड अगर आप इसी असाइनमेंट में से बैक्सलेस ज़ीरो डालना न, ना डालें डालना भूल जाएं या एक्सप्लिसिटली उसको निकाल दें तो सी आउट को पता नहीं चलेगा कि ये कैरेक्टर स्ट्रिंग ख़त्म कहाँ होती है सो द बैक्सलेस ज़ीरो कैरेक्टर इज़ द टर्मिनेशन कैरेक्टर ऑफ अ कैरेक्टर स्ट्रिंग ओके दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट मीन्स दैट अगर आपने कोई कैरेक्टर्स हैं कोई लफ्स हैं जिसके अंदर पंद्रह कैरेक्टर्स हैं वो आप स्टोर करना चाहते हैं तो एरे जो है वो पंद्रह की नहीं हो सकती वो सोलह के साइज़ की होगी क्योंकि पंद्रह ये वाले कैरेक्टर्स जाएंगे और सोलवा कैरेक्टर बैक्सलैस ज़ीरो जो है द नल कैरेक्टर वो एंड पे अपेंड करना पड़ेगा सो देज अ साइज़ इशू विद कैरेक्टर अरेज विच आर स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय अ बैक स्लैस ज़ीरो कैरेक्टर डू वी ऑलवेज हैव टू डू दिस द आंसर इज नो देर आर शॉर्ट हैंड्स शॉर्ट हैंड ये है कि जी जैसे आपने डिकलेशन के वक्त ही स्ट्रिंग को इनिशलाइज कर दें यू कैन से चार सी एच ए आर नेम ब्रैकेट ट्वेंटी स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स आगे डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आप आमिर लिख दें ए एम आई आर इन डबल कोट्स डबल कोट्स इंडिकेट्स टू द सी कंपाइलर कि ये एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है जैसे ही कंपाइलर कहता है वो स्ट्रिंग है तो पहले वो सारे कैरेक्टर्स एरे में प्लेस करके साथ अपनी तरफ से बैक स्लैस जीरो लगा देता है अगेन यू कैनॉट स्टोर अ स्ट्रिंग ऑफ टेन कैरेक्टर्स इन एन एरे ऑफ साइज टेन बिकॉज दैट वुड बी एन एरर इट वुड नॉट नो वेयर टू प्लेस द एक्स्ट्रा कैरेक्टर विच इज अ बैक्लाइस जीरो एरे मस्ट बी एट लीस्ट वन कैरेक्टर स्पेस लार्जर देन द नंबर ऑफ एक्चुअल प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं सो so, Let us do a little program example. You should have this in your handout as well. We declare a character string and we initialize it to some value. As I just mentioned, automatically the compiler will append a backslash 0 to this string and put it in that array. Declare a second array of the same size, but do not initialize it. So, it is an empty array at this time. Declare two pointers. Two pointer variables of type character. So we say char ptr a star ptr a comma star ptr b semicolon. So these are now two pointers to characters. I'm just trying to show you how we can mix pointers and uh, let's say arrays and work with character strings. So we're going to manipulate that using this example. Ptr a me ham kya karte? Ham pehli string ka address rak So string one ka address your ptr a is equal to string one ptr2 or ptrb rather is equal to string2 these statements simply put the starting addresses of the arrays into these pointers now let us actually i should have said this earlier what is the objective of this little exercise we are going to copy an array from one to the other a string a string array so what we do is we run a little loop a loop can या तो हमें पता हो कि जी कितने कैरेक्टर्स हैं जो कॉपी करने हैं एक एरिय से दूसरी एवरे में एक्सक्यूज़ मी दूसरा तरीका यह है टू लुक फॉर द टर्मिनेटिंग कैरेक्टर हम कहते हैं कि जी हमें पता है स्ट्रिंग के एंड पे बैक स्लैश जीरो होता है सो व्हाट वी कैन डू इज सिंपली चेक फॉर दैट कंडीशन सो आर वाइल्ड लूपाइल्ड वट एवर पी टी आर ए पॉइंट टू इज नॉट इक्वल टू द नल कैरेक्टर और उसका सिंटैक्स आपके सामने है वाइल्ड स्टार पी टी आर ए इज नॉट इक्वल टू सिंगल कोर्ट्स में बैक स्लैश ज़ीरो सिंगल कोर्ट इन दैट्स अ कम्पेरिजन ठीक है दिस इज़ अ कंपेरिजन ऑफ वॉट एवर पी टी आर पॉइंट्स टू ये वाइल्ड स्टेटमेंट होगी उतनी देर तक क्या करो उतनी देर तक ना हो लुक एट दिस स्टेटमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली स्टेटमेंट में हमने लिख दिया है स्टार पी टी आर ए प्लस प्लस इक्वल्स स्टार पी टी आर बी प्लस प्लस सेमीकोलन ये हमने काफ़ी चीज़ें लपेट के एक लाइन में लिख दी हैं या अब थोड़े से सी के प्रोग्रामिंग स्टाइल्स की तरफ जा रहे हैं नॉट दैट आई रिकमेंड इट ओके आई रिकमेंड इट इफ़ यू कम्फर्टेबल विद इट वी कैन डू दिस मैनी अदर वेज बट इस लाइन को देखें ये करेगी क्या सबसे पहले आई होप आई रेड इट राइट कि जी स्टार पी टी आर बी प्लस प्लस इक्वल्स स्टार पी टी आर ए प्लस प्लस सबसे पहले जो भी पी टी आर ए जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा है वो असाइन होगा पी टी आर बी जिसको पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पे When दिस लूप स्टार्ट दे आर पॉइंटिंग टू द बिगिनिंग ऑफ द टू arrays. सो so, string वन का पहला कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग टू के पहले कैरेक्टर की जगह पे कॉपी हो जाएगा उसके बाद द पॉइंटर्स आर इंक्रीमेंटेड नॉट द वैल्यूज दे आर पॉइंटिंग टू सो पी टी आर ए इज़ इंक्रीमेंटेड इट the टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ PTR वन पी टी आर बी इज इंक्रीमेंटेड इट element टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग टू वाइल टेस्ट लगता है कि जी अब जो पी टी आर ए है इज इट नल जहाँ पर यह पॉइंट कर रहा है अगर स्ट्रिंग के अंदर पाँच छः कैरेक्टर्स हैं वो अभी नल नहीं होगा नेक्स्ट कैरेक्टर असाइनमेंट हो जाएगी एंड सो ऑन टिल यू कम टू द नल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग वन वहाँ पे ये वाइल लूप फेल कर जाएगी टेस्ट फेल कर जाएगा आप वाइल से बाहर आ जाएंगे क्या काम ख़त्म हो गया आंसर इज नो वॉट हैज़ हैपन्ड इज स्ट्रिंग टू नाउ हैज़ द कैरेक्टर्स The printable characters that were stored in string 1, but it does not yet have the null character at the end. So, we have to explicitly put it there. Do we increment something before we put it there? The answer is no, because if you statement seen the while loop, the statement, statement, pointer b increment chuka incremented. It is now pointing to the next available location inside the array string 2. So, all you need to do is. Star ptRb equals single quote, backslash zero, single quote. That is the end of the story. Now you have copied successfully one string into another string, using only pointers. Of course, here the example Kish, Isiko,ti se, we should use a function. So look at the string copy function, which is my string copy. Voice fast the string copy because it is such a common operation a standard c library may be functions module then string copy k string compare k etcetera but my string copy is a function it takes two arguments it takes a pointer to a character and a pointer to a character and it copies from one to the other so let us give them names let us say the first argument is destination and the first or the second argument is source so the declaration of this function

करना यह है कि जो भी सोर्स में चीज़ लिखी हुई थी स्ट्रिंग लिखी हुई थी उसको हम डेस्टिनेशन में कॉपी करना चाहते हैं डेस्टिनेशन तो चेंज होगी क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज लिखी जाएंगी क्या सोर्स चेंज होना चाहिए सोर्स मस्ट नॉट चेंज ओके इन दिस केस वी आर यूजिंग सोर्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड असाइनिंग टू डेस्टिनेशन विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू जस्ट टू मेक डबली श्योर हम ये कॉन्स्ट का कैरेक्ट ये वर्ड जो है इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे अगर आप नीचे बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर सोर्स को मॉडिफाई करने की कोशिश भी करेंगे तो कंपाइलर ही एरर पकड़ लेगा कि जनाब ये आपने कॉन्स्ट कहा है यू कैनॉट मॉडिफाई और चेंज द वैल्यूज़ इन द एरे सोर्स सो इट्स अ सेफ्टी फीचर कीप दैट इन माइंड वेन एवर यू यूजिंग पॉइंटर्स एंड कॉल बाई रेफरेंस बॉडी देखें तो बॉडी तो अब सिंपल सी है वही वाइल वॉट एवर सोर्स पॉइंट टू इज़ नॉट नल whatever destination डेस्टिनेशन पॉइंट्स incremented इंक्रीमेंटेड whatever source points सोर्स incremented टू इंक्रीमेंटेड और लॉजिक वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था पहले असाइनमेंट होगी स्टार सोर्स की वैल्यू जो है वो स्टार डेस्टिनेशन वाली जगह पे लिखी जाएगी फिर दोनों अलग-अलग इंक्रीमेंट होंगे वाइल लूप कम्प्लीट हो जाएगी जब नल कैरेक्टर मिल जाएगा वाइल ख़त्म होकर आप बाहर आए तो डेस्टिनेशन में अखीर पर अपने तौर पर नल कैरेक्टर लिखना नहीं भूलना That is the way to terminate a character string, and the function returns. Why did we not return anything from this function? Because we've already used pointers in this function. It is automatically a call by reference. Remember, I said that when erase pass hote hain, erase ke naam ham likke bechte hain. Wo automatically call by reference hai. Yani destination array ke andar cheezen likhi gayi hongi. Agar ye simple variables hote. तो फिर आपको ख्याल रखना था कि जी अगर आप वेरिएबल कॉलिंग प्रोग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस भेजें अगर सिर्फ उससे कोई कंप्यूटेशन करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू भेजें इन द केस ऑफ़ एरेज इट इज़ ऑलवेज अ केस ऑफ अ कॉल बाय रेफरेंस द वैल्यूज़ विल बी रिटर्न इन द ओरिजिनल एरे सो इन दिस केस वी डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग वी हैव सक्सेसफुली कॉपीड द सोर्स टू द डेस्टिनेशन एरे सो वॉट वी कवर्ड टूडे वी हैव लुकड एट द वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरेज वी हैव लुकड एट समूडीमेंट्स ऑफ पॉइंटर एरेथमेटिक पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट कैसे किया जाता है डेक्रीमेंट कैसे किया जाता है वी हैव सीन के अरेज के अंदर हम इंडक्सिंग करते हैं तो पॉइंटर्स के अंदर एडिशन करके वही इंडेक्सिंग का इफेक्ट अचीव हो जाता है हमने ये भी देखा कि जी पॉइंटर्स और अरेज के नाम जो हैं तकरीबन तो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकते हैं ठीक है पॉइंटर्स आर बिगर दैन अरेज बट फॉर द मोमेंट जब हम पॉइंटर्स और एरेज की बात कर रहे हैं तो तकरीबन इंटरचेंजेबली आप सबस्क्रिप्ट नोटेशन इस्तेमाल कर लें या सिंपल इंक्रीमेंट नोटेशन इस्तेमाल कर लें कुछ चीज़ें जो मैं हाई की थी वो दोहराता चलूँ कि जी एरे का नाम जो है वो है तो पॉइंटर लेकिन वो कॉन्स्टेंट पॉइंटर है ओके सो यू कैन नॉट री असाइन इट टू एनी वेयर एल्फ जो ऑर्डनरी पॉइंटर है उसको तो आप जब मर्जी रीअसाइन करना चाहें कर सकते हैं मैनिपुलेशन ऑफ एरेज आप सिंपल लूप और सब्सक्रिप्टिड वेरिएबल्स के साथ कर लें या पॉइंटर्स के साथ कर लें उसके बाद हमने थोड़ा सा स्ट्रिंग एरेज के ऊपर बात की और स्ट्रिंग एरेज़ के ऊपर हमने थोड़ी सी उसकी स्पेशल बात ये की कि स्ट्रिंग एरेज के अंदर हमेशा एंड पे एक स्ट्रिंग के एंड के ऊपर एक नल कैरेक्टर होता है जो बताता है कि ये स्ट्रिंग ख़त्म कहाँ हो रही है सो जब आप उसको प्रिंट करना चाहें तो वो ईज़िली प्रिंट हो सके और वहाँ पर टर्मिनेट कर सकें सो so, इन चीज़ों का आप ख्याल रखें एंड प्लीज़ एक्सपेरिमेंट विद इट एंड डू समथिंग इंटरेस्टिंग डिक्लेयर एन इंटिजर एक्स डिक्लेयर एन इंटिजर पॉइंटर उसके बाद टेक द एड्रेस ऑफ एक्स पुट इट इन द पॉइंटर प्रिंट आउट द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर एंड द वैल्यू दैट इट पॉइंट्स टू इन दर्ड प्रिंट आउट द एड्रेस एंड प्रिंट आउट द वैल्यू दैट इट पॉइंट्स टू कन्फर्म कि वही हो रहा है जो आप सोच रहे थे होना चाहिए